हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तरह से कहीं जो पुरानी हमारी वीडियोस हैं जिस सीक्वेंस में हम एसक्यूएल के फंक्शंस पढ़ रहे हैं उसी की ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे माई एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्ट्रिंग फंक्शंस को और न्यूमेरिक फंक्शंस को कर लिया है और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा डेट और फंक्शन की सीरीज में पहला फंक्शन है वो है हमारा कर डेट फंक्शन, CURDATE, यानी कि करेंट डेट, नाम से क्लियर है, या इसे हम करेंट डेट के नाम से भी जानते हैं, CURRENT और अंडरस्कोर क्या DATE, करेंट डेट। ये दोनों चीजों को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, आप दोनों में से किसी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमें रिटर्न करता है, यानी हमें देता है। तो हम लिखेंगे यहाँ रिटर्न करेंट डेट, राइट, यानी ये क्या करेगा, हमें करेंट डेट मतलब आज का जो डेट है, सिस्टम डेट याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, हमें करेंट सिस्टम का डेट प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास SQL है और इस SQL पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ लिख देंगे सेलेक्ट क्या और कर डेट, CURDATE, बस इतना ही लिखेंगे, एंटर करेंगे तो जो भी आज हमारा आज का डेट होगा वो डेट हमें क्या कर देगा, शो कर देगा। जैसे मान लीजिए आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज हमारी तारीख है 26 नवंबर 2020, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाएगा 2020, फिर दिखाएगा नवंबर के लिए 11 और फिर दिखाएगा 26। और एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे इसका ब्रैकेट भूल गया, ये फंक्शन है तो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज होगा, दैट मींस ये क्या हो गया, हमारा करेंट डेट शो कर दिया। अब बड़ा आसान सा चीज था। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है वो क्वेश्चन ये होता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन ये होते हैं कि डिस्प्ले द डेट आफ्टर टेन डेज फ्रॉम करेंट डेट, मतलब जो करेंट डेट है यानी आज का डेट है उससे 10 दिन बाद का डेट आप हमको शो कीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपली आप यहां लिखेंगे क्या, सेलेक्ट और यहां लिखेंगे कर डेट, ठीक है। तो कर डेट आपको करेंट डेट दे दिया, अब इसमें यहां पे कर देंगे प्लस, तो जो भी 10 दिन बाद का डेट होगा वो डेट आपको क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। तो ये है कर डेट, या हम यहाँ पे करेंट डेट फंक्शन को भी यूज कर सकते, मतलब यहाँ पे हम चाहते तो हम यहाँ लिख सकते थे करेंट अंडरस्कोर डेट और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, दोनों सेम ही वर्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये है हमारा करेंट डेट फंक्शन। चलिए दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। तो जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो है डेट फंक्शन, DATE, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये डेट देता है आपको। डेट मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है ईयर मंथ एंड डेट, दोनों तीनों चीजें एक साथ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आपको सर अभी हमने करेंट डेट से तो वही किया, हमने करेंट डेट देख लिया, हाँ सही है, आपने कर डेट जब किया तो उसने हमें करेंट डेट दिया। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा फील्ड है जिसमें करेंट डेट और करेंट टाइम भी दिखा रहा है, दोनों एक साथ दिखा रहा है, जैसे आप आगे चल के जब डेटाबेस पढ़ोगे तो उसमें हम एक टाइम स्टैम्प करके डेटा टाइप होता है जिसमें डेट भी होता है और टाइमिंग भी होती है, लेकिन मुझे उससे सिर्फ क्या निकालना है, डेट को निकालना है। तो उस केस में हम क्या पढ़ेंगे, डेट को डेट फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है द डेट, इस चीज को डेट को, फ्रॉम इट्स एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी आप इसको एक्सप्रेशन दीजिएगा उस एक्सप्रेशन से ये सिर्फ डेट को निकाल के आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। जैसे आपके पास एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है, आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है सेलेक्ट, राइट, और यहां पर डाल देना है डेट, और इस डेट में आप उस फील्ड का नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारा हमारे पास एम्प्लॉय नाम का टेबल था, सपोज कीजिए ईएमपी नाम का, और यहाँ पे हमने एक फील्ड बना रखा था ज्वाइनिंग डेट का, ये सिर्फ ज्वाइनिंग में नाम देता हूं, ठीक है। तो होता क्या, अगर आप इसको टाइम स्टैम्प करेंगे ना, तो टाइम स्टैम्प में डेट तो आता ही है, डेट के साथ साथ जो होता है उसमें टाइमिंग्स भी आती है सेम, तो मतलब क्या हुआ कि किस डेट को कितने बजे है वो भी टाइम स्टैम्प में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। जैसे फॉर्मेट क्या होगा, तो इसमें जो डेटा स्टोर होगा फॉर्मेट होगा, मान लीजिए 2020, ठीक है, 11, और मान लीजिए आज तारीख कितनी है 26, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ 26/11/2020, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसमें टाइमिंग्स भी होंगी, तो टाइमिंग्स का भी फॉर्मेट इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, जब ये ज्वाइनिंग वाला डेट जो है वो टाइम स्टैम्प होगा, तो उसमें आगे आवर्स आवर्स मिनट और क्या होंगे, सेकेंड्स भी जुड़े हुए रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कुछ भी आवर मिनट हो, 1 hour 2 minutes or 3 seconds जो भी हो, ये सब जुड़े हुए रहेंगे, तो मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, या तो मैं सीधे यहाँ पे लिख दूं ज्वाइनिंग, अगर मुझे पता है, ठीक है, ज्वाइनिंग
और यहां पे हमको देना होगा फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है EMP, तो इसमें से सिर्फ हमको क्या निकाल के दे देगा, ये दे देगा 2020-11-26। तो इस फंक्शन का यूज हम उस जगह करते हैं जहां पे जिस फील्ड में डेट और टाइम दोनों एक साथ था और उसमें से सिर्फ हमें क्या निकालना था, डेट को निकालना था। अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं जैसे एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम में आप ऐसे लिख देंगे कि सेलेक्ट, क्योंकि उस समय तो टेबल का नाम आपको पता नहीं होगा ना, तो आप यहां लिखेंगे सेलेक्ट डेट, और डेट में यहां पे आप डाल देंगे ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ, क्या डाल देंगे ये 2020/11/26, ठीक है, फिर 01:02:03 और ये बंद कर देंगे बस। तो आप क्या होगा इसमें से आपको ये निकाल के दे देगा, यानी कि सिर्फ डेट वाला पार्ट क्या करेगा, ये निकाल के दे देगा 2020/11/26। तो ये है हमारे डेट फंक्शन का वर्क, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले फंक्शन पे मूव करते हैं। तो हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो है हमारा मंथ फंक्शन, और मंथ फंक्शन क्या करता है, बड़ा इजी से काम है, जैसे इसका नाम है वैसा ही से काम है, किसी दिए गए डेट में से सिर्फ आपको मंथ्स को निकालना है। तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, मंथ फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये हमें देता है, क्या देता है, तो डे, सॉरी नॉट डे, मंथ रिटर्न्स मंथ फ्रॉम द गिवन डेट, यानी कि जो भी आप डेट देंगे फ्रॉम द गिवन डे, पूरे डेट में से सिर्फ ये मंथ आपको निकाल के दे देगा। जैसे एग्जांपल में आपके पास SQL है, आप यहां लिखेंगे क्या सेलेक्ट, और यहां पे लिखते हैं मंथ, अब मान लीजिए आज का डेट डाल देते हैं 2020/11/26। अब हमने यहां पे जैसे इसको देखे एंटर करेंगे तो इसमें मंथ कितना 11 है ना, तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, 11 को रिटर्न कर देगा। बस यही काम होता है इस मंथ फंक्शन का। तो चलिए अगले फंक्शन मूव करते हैं। अगला फंक्शन जो बिल्कुल सेम इसी के पैटर्न पे है, जो हमारा फोर्थ फंक्शन है, वो है मंथ नेम, यानी कि अगर आप किसी मंथ का नेम चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसने क्या दे दिया, यहाँ पे आपको देखिए इसने दिया सिर्फ 11, तो 11 से आपको तो खुद से काउंट करना पड़ेगा, 1 फॉर जनवरी, 2 फॉर फरवरी, 3 फॉर मार्च, ऐसे करके 12 फॉर दिसंबर, तो 11 किसके लिए, नवंबर के लिए हुआ। लेकिन आप चाहते हैं कि ये क्या करे, नवंबर ही बताए मुझे कि हाँ जो मंथ है वो नवंबर है, तो इसीलिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं मंथ नेम का। तो ये क्या करता है, तो दिस returns, यानी ये रिटर्न करता है नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द मंथ यानी मंथ का नेम, ठीक है, फ्रॉम द गिवन डेट, यानी किसमें से, तो गिवन डेट, जो भी आप डेट दिए होंगे उस डेट में से, फ्रॉम द गिवन डेट, राइट। जैसे अब इसको कैसे यूज करेंगे, सेम हम ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को अगर यूज करें, हम यहां लिखेंगे क्या सेलेक्ट, फिर लिखेंगे मंथ, और फिर सेम डेट आज का डाल लेते हैं 2020/11/26, और जैसे ही हम एंटर करेंगे वैसे ही हमें जो मंथ देगा, अब 11 नहीं देगा, क्या देगा, नवंबर, क्योंकि ये जो है फंक्शन हमें मंथ का नाम रिटर्न करता है, ना कि उसका नंबरिंग, और ये क्या करता है, नंबरिंग रिटर्न करता है, दोनों में यही फर्क होता है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। तो जो हमारा अगला फंक्शन है, नंबरिंग पता नहीं कौन सी नंबरिंग थी, मैं मिस कर गया, आप मेंटेन कर लीजिएगा, वो है डे फंक्शन, DAY, डे मतलब क्या होता है, ये आपको दिए गए डेट में से क्या निकाल के दे देगा, डे निकाल के दे देगा, कौन सा दिन था, जैसा अभी मंथ निकाल के दिया वैसे ही ये डे निकाल के क्या करेगा, आपको दे देगा। तो इसका डेफिनेशन बिल्कुल आसान सा वही है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, द डे ऑफ, डे फ्रॉम द गिवन डेट, डे फ्रॉम द गिवन डेट, यानी जो भी आप डेट देंगे उस डेट में से ये क्या करेगा, डे को रिटर्न करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम मैं लूं, तो आपके पास SQL है, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, तो इस SQL में आप लिखेंगे सेलेक्ट, और किसको सेलेक्ट कीजिए, तो डे को, ठीक है, और फिर यहाँ आपको आज का डेट डाल दीजिए, मान लीजिए 2020/ मैं देता हूँ 11 और स्लैश देता हूँ 26, तो ऑब्वियस ही बात है इस डेट में जो डे है वो कौन सा है, 26 है, तो आपको जो यहाँ पर रिटर्न करेगा वो 26 रिटर्न करेगा। अच्छा आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, ये पूछता है कि SQL क्वेरी लिखना है तो डिस्प्ले, यानी कि क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए ओनली डे ऑफ टूडेज डेट, यानी आज के दिन का, टूडेज डेट, आज के दिन का सिर्फ डेट क्या करना है, हमें रिटर्न करना है, मतलब सिर्फ हमें आज के डेट का, तो देखिए आज का डेट तो ये है, लेकिन जब आज के डेट के ये स्पेसिफिकली बोले, तो आपको एक फंक्शन अभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ाया, जो फंक्शन क्या कर रहा था, अभी आपको मैंने कर डेट फंक्शन पढ़ाया, जो कर डेट क्या करता है, करेंट डेट रिटर्न करना है। तो आप चाहे तो इसको नेस्टेड तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट,
और डे को सिलेक्ट करो और डे के अंदर आप डाल दीजिए कर डेट। तो देखिए डे के अंदर आपने कर डेट डाला तो करेंट डेट जो है वो क्या रिटर्न करेगा, ये डेट रिटर्न करेगा और इसमें से ये डे को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो क्वेश्चंस कभी कभी मिक्स करके भी पूछ दिए जाते हैं, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो ये था हमारा कौन सा फंक्शन, डेट फंक्शन। ठीक है, चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। तो जैसा कि हमारे पास मंथ फंक्शन था और उसके बाद मंथ नेम था, इसीलिए मैं इसी में उस चीज को बता रहा हूं। तो जैसे हमारे पास डे फंक्शन है, ठीक वैसे ही हमारे पास एक फंक्शन है डे नेम करके फंक्शन है। ठीक है, ये क्या करता है, तो जैसे यहाँ पे इसने सिर्फ क्या दे दिया, डे दे दिया ना, मतलब आपको कौन सा मतलब डेट है वो निकाल के दे दिया, लेकिन डे नेम मतलब, डे नेम का मतलब होता है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसमें से कौन सा डे है उस तारीख को, दिए गए तारीख को। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, या क्वेश्चन कैसे डेफिनेशन पे लिख देता हूँ कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे इन टेक्स्ट। ठीक है, लाइक संडे मंडे, आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा डेफिनेशन, अगर इस तरीके से लिखोगे संडे मंडे ईटीसी। अब इसको जो है आप कैसे करोगे, तो जैसे मान लो मैं यहां देता हूं एसक्यूएल पे, मैं क्या करता हूं सेलेक्ट करता हूं डे नेम को, यानी कि मुझे डे नहीं चाहिए, मुझे उसका नेम चाहिए। और मान लीजिए मैं आज ही का तारीख दे देता हूं, तो क्या देता हूं मैं 2020/11/26। तो आज जैसे कि मान लीजिए सैटरडे है, और ठीक है, या फिर जो भी डे है आज, सपोज कीजिए कोई भी डे, जो भी डे होगा वो डे का नाम यहाँ पे क्या कर देगा, शो कर देगा एग्जैक्टली। तो जैसे मान लीजिए मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, अगर मान लीजिए मंडे है तो ये क्या शो कर देगा, मंडे है, ट्यूजडे है तो क्या शो कर देगा, ट्यूजडे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डे का नाम भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और ये मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे के फॉर्म में क्या करेगा, डेट को शो कर देगा। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे होता है डे, वैसे ही क्या हो गया, डे नेम हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले पे। ठीक है, तो अगला फंक्शन जो है हमारा वो है ईयर फंक्शन। ठीक है, ईयर फंक्शन क्या करता है, नाम से क्लियर, देखिए मंथ से मंथ मिला, डे से डे मिला, तो ईयर से क्या मिलेगा, ईयर मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है किस चीज को, ईयर फ्रॉम द गिवन डेट, ईयर को फ्रॉम द गिवन डेट, यानी कि दिए गए डेट में से ये क्या करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर को निकाल के दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसक्यूएल है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट और फिर लिखेंगे ईयर, और मान लीजिए तारीख देते हैं 2020/11/26 और यहाँ पे करते हैं एंटर। जैसे ही करेंगे एंटर सिर्फ हमें क्या देगा, 2020 जो कि हमारा ईयर है, बस यही है ये फंक्शन, ईयर फंक्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। तो अगले तीन फंक्शन जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, तो तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। पहला फंक्शन है डे ऑफ मंथ, ठीक है, फिर नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है डे ऑफ वीक, और फिर अगला मतलब डे ऑफ वीक जो है वो सेकेंड फंक्शन हो गया, और जो हमारा तीसरा फंक्शन है वो है डे ऑफ ईयर। ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा सा चेंजेस है हर में, आपको वो थोड़ा सा बस चेंजेस में बता दूंगा और आप बाकी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि तीन फंक्शन हो गए, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक और डे ऑफ क्या, ईयर। देखिए पहले डे ऑफ मंथ समझते हैं, ये बिल्कुल ही आसान है, अभी जो हमने फंक्शन किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये परफॉर्म करता है। जो भी आप डेट देंगे उसमें कौन सा दिन है ये निकाल के आपको दे देगा डे ऑफ ईयर, यानी ये क्या करता है, रिटर्न्स द डे ऑफ ईयर। ठीक है, डे ऑफ द गिवन डेट, गिवन डेट, राइट। और ये दूसरा फंक्शन क्या करता है, ये भी वही करता है, देखिए क्या, ये मंथ डे ऑफ वीक, ये क्या करता है, तो रिटर्न्स द नेम ऑफ, या नंबर ऑफ, नॉट नेम एग्जैक्टली, क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ वीक डे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये वन, देखिए या तो ये वन रिटर्न करेगा, या तो टू रिटर्न करेगा, या तो थ्री रिटर्न करेगा। अगर वन रिटर्न करता है इसका मतलब हुआ कि वो दिन जो था वो क्या था, संडे था। ठीक है, अगर टू था तो मतलब वो दिन क्या था, मंडे था, वैसे ही अगर थ्री था तो वो ट्यूजडे था, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और लास्ट फंक्शन जो है वो है डे ऑफ ईयर, ये क्या करता है, रिटर्न्स, यानी ये रिटर्न करता है डे ऑफ द गिवन ईयर, डे ऑफ द गिवन डेट। अब देखिए थोड़ा सा इसका जो डेफिनेशन है वो हो सकता है कि मैं ढंग से नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन बेसिकली है क्या कि जैसे मान लीजिए कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो अगर आप इसमें देते हैं फर्स्ट फरवरी, ठीक है,
तो वो 32 डेट हो जाएगा, 32nd डे है, राइट। यानी पूरे ईयर के अगर कैलकुलेट करें तो एक से लेके 365 दिन होते हैं या 366 लीप ईयर में होते हैं, तो 1 से लेके 31 तक तो जनवरी का हो गया। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 से लेके 31 जन तक तो हो गया 31 दिन। अब जैसे आप 1 फैब कहेंगे ना तो ये ले लेगा उसको 32, फिर आप 2nd फैब कहेंगे तो ये क्या ले लेगा, ये 33, तो आपको जो रिटर्न करेगा वो 32 या 33 रिटर्न करेगा। तो यही काम करता है हमारा कौन सा, ये डे ऑफ ईयर फंक्शन। बिल्कुल आसान है, बस सबके साथ आप वही लगा दीजिए। जैसे मैं यहां लगा दूंगा सेलेक्ट डे ऑफ ईयर, सॉरी देखिए मैंने स्पेस दे दिया, स्पेस नहीं होगा, डे ऑफ ईयर, और मान लीजिए मैं जानबूझ के 1 फरवरी देता हूं, ठीक है, तो मैं देता हूं मान लीजिए 2020/02/01। तो देखिए फरवरी कभी भी होगा, जो 1st फरवरी होगा चाहे वो कौन सा भी साल हो, वो कौन सा दिन होगा, 32nd डे होगा। तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, 32 रिटर्न करेगा। ये होता है डे ऑफ ईयर का। अब अगर हम इसमें आते हैं डे ऑफ वीक वाले में, तो यहाँ पे आपके पास SQL है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डे ऑफ वीक, डे ऑफ, देखिए कोई स्पेस नहीं होगा, डे ऑफ वीक, और फिर इसके अंदर आप मान लीजिए आप डाल देते हैं आज का डेट, और 2020/11/ आज जो है 26, ओके। तो ये मान लीजिए आपका, आपने ये लिखा, तो इसमें देखिए आज अगर जो भी सा दिन था, अगर मान लीजिए आज जैसे मैंने बोला ना 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, तो अगर संडे है तो ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर ये जो भी दिन है, ठीक है, ये अगर मंडे है तो क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। वैसे ही जो भी वैल्यू होंगी वो वैल्यू रेस्पेक्टिव रिटर्न ये करेगा। नाउ डे ऑफ मंथ, अब आपके पास मान लीजिए SQL प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आप कहते हैं क्या, सेलेक्ट, और यहाँ कहते हैं डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ, और यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल देते हैं, आज की डाल दीजिए 2020/11/26, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्या रिटर्न करेगा, 26 रिटर्न करेगा, क्योंकि डेट जो है वो यही है इसमें से। तो ये तीनों फंक्शन डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक और डे ऑफ ईयर इसी पैटर्न पे काम करते हैं। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, जो ये वीडियो मेरा कंटिन्यूअसली और बड़ी ईमानदारी से देखेंगे वही मुझे ये बता पाएंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले डे फंक्शन पढ़ाया, ठीक है, और अभी मैंने आपको डे ऑफ मंथ फंक्शन पढ़ाया। दोनों का काम तो मैंने लगभग आपको सेम बताया कि दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं, डेट डे निकाल के दे रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए 26 निकाल के दे दिया, चाहे आप डे फंक्शन भी करेंगे तो भी आपको 26 निकाल के दे देगा। अब मुझे आप ये बताइए फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है आपके लिए क्वेश्चन, जो मुझे कॉमेंट में आप प्लीज बताइएगा। अगर पूरा वीडियो अगर आप मेरा देखते हैं देन ओनली आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे, मतलब सुन पाएंगे और फिर आप उसको रिप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पे। सो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है नाउ फंक्शन, और नाउ फंक्शन क्या करता है, तो नाउ फंक्शन हमें करेंट डेट और करेंट टाइम दोनों देता है, ठीक है, न कि सिर्फ डेट देता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, करेंट डेट एंड टाइम, यानी करेंट डेट और टाइम को, करेंट डेट एंड टाइम इन द फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में, इन द फॉर्मेट, सबसे पहले ये देगा ईयर देगा, ठीक है, ईयर ईयर, फिर देगा मंथ, फिर देगा डेट, फिर देगा आपको आवर, फिर देगा मिनट, और फिर देगा सेकेंड। इस फॉर्मेट में आपको क्या करता है, ये नाउ मतलब क्या होता है, अभी, दैट मींस अभी का करेंट डेट एंड टाइम क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे लिखते हैं SQL है आपके पास, और आप यहां लिखते हैं सेलेक्ट, और यहां पे लिखते हैं सिर्फ नाउ, दैट्स इट, और आप देते हैं एंटर, तो जैसे मान लीजिए अभी बज रहे हैं कितने भी, मान लीजिए आज का तारीख है 2020/11/26, और मान लीजिए 10:55, 56 सेकंड या 26 सेकंड जो भी हो, तो ये आपको मिलेगा क्या, आपका आउटपुट, यानी कि नाउ का मतलब अभी, अभी क्या डेट है और अभी क्या टाइम है, ये फंक्शन आपको यही बताता है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। एक फंक्शन जो बिल्कुल इसके जैसा है और ये हमारे इस ट्यूटोरियल का लास्ट फंक्शन है, वो है हमारा सिस डेट, SYSDATE, ये फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का भी डेफिनेशन आप बिल्कुल यही रिटर्न करेंगे कि लिखेंगे कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है द सिस्टम डेट एंड टाइम। सिस्टम मतलब जिस कंप्यूटर पे आप हैं, सिस्टम डेट एंड टाइम, अगर आपके सिस्टम में, यानी कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में जो भी डेट होगा, जो भी टाइम होगा, गलत हो तो गलत, जो सही हो तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपके सिस्टम से उठाएगा, सिस्टम डेट एंड टाइम, ठीक है, बस दैट्स इट, फुल स्टॉप।
और उसका भी फॉर्मेट क्या होगा, अगर आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं सेम फॉर्मेट में, जैसे कि इसका फॉर्मेट है इन द सेम फॉर्मेट, ठीक है, इन द सेम फॉर्मेट ऑफ सबसे पहले ईयर वाई 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 वाई, देन मंथ, देन डेट, फिर आवर, फिर मिनट और फिर क्या सेकंड के फॉर्म में, ये क्या करेगा आपको दे देगा चीजें। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे एसक्यूएल करते हैं और लिखते हैं क्या सेलेक्ट और यहाँ लिखते हैं सिस डेट एस वाई एस डी ए टी ई और करते हैं एंटर, तो सेम यही चीज आपको मिलेगा, ठीक है, क्या 2020/11/26 मान लीजिए 56:56 हो रहे हैं, ठीक है, अब ये आपको दिया, ठीक है। देखिए तो फिर दोनों में फर्क क्या है, सिस डेट और नाउ, यानी दोनों में फर्क क्या है, क्या आप डिफरेंस है दोनों में, ये भी आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि दोनों में फर्क पता करके मुझे बताइए, और अगर पता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फिर ये रिप्लाई दूंगा कि आपने जो फर्क यानी कि जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई किया है वो सही है या नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन जो कि हमने की टोटल किस पे, MySQL फंक्शंस पे, और ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया है। आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे जॉइंस के बारे में, जो हमारा बहुत तरह का जॉइन है, इक्वी जॉइन है, नेचुरल जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, बहुत तरह के जॉइंस हैं, वो हम पढ़ेंगे, ताकि दो या दो से अधिक टेबल्स में कैसे वैल्यूज को निकाला जाता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हम देख पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।